नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफ लाइन हेल्थ केयर पटना। आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को टीबी की दवा चलने के दौरान, कैटेगरी वन की दवा चल रही है, चार ड्रग चल रहा है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथाम्बिटोल। इस चार दवा चलने के दौरान अगर उसको रेस्टलेसनेस हो रहा है, बार बार वोमिटिंग हो रहा है, जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट में क्या करना है? लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट कराने के बाद या तो बिलिरुबिन का पैरामीटर बढ़ा हुआ हो या एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल पैरामीटर से 4 to 5 times इंक्रीज किया हुआ हो, तो इसका मतलब पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर रहा है। इस दवा को 4 drug regimen को बंद करते हैं, बंद करके रिवाइज रेजिमेन चलाते हैं, जिसमें एक इंजेक्टेबल ड्रग रखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड है, दूसरा रखते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, और तीसरा इथाम्बिटोल जो कि ये सारा ड्रग लीवर के लिए सेफ है। इन दवाओं को चलाते हैं 15 से 20 दिन तक। चलाने के बाद लीवर फंक्शन को फिर से करवाते हैं। अगर लीवर फंक्शन नॉर्मल आ गया हो तो फिर से जो प्रीवियस 4 drug regimen था उसमें से एक एक दवा को रीचैलेंज करते हैं एक एक सप्ताह के लिए, और जिस दवा के कारण अगर दिक्कत महसूस हो रही है उस दवा को बंद करेंगे और बाकी दवा को मिला करके 4 drug regimen तैयार करेंगे ताकि प्राइमरी रेजिमेंट को फिर से स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।